राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बायतू से एक बार फिर से आरएलपी के नेता उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ में उम्मेदाराम जी खुद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान जी बेनीवाल साहब को, आरएलपी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को, कि मेरे ऊपर विश्वास जताया और दोबारा बायतू से प्रत्याशी बनाया, और पूरी जनता को धन्यवाद कि आपके मन से मेरे ऊपर आशीर्वाद था। आप लोगों की कि मन की जो भावना थी उसके अनुसार टिकट मिला, और आज दर्शन के लिए गुलाब भारती जी महाराज की मठ के अंदर बाप जी ओंकार भारती जी महाराज से आशीर्वाद लेके और इसका चुनावी अभियान की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर, टिकट मिल चुकी है, अब किस प्रकार की रणनीति रहेगी? क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ा अनुभव है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या चुनौती रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी तो जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है, और जनता ने मन बना लिया है इस बार आरएलपी पार्टी को समर्थन करने का। इसलिए मेरे को जनता के ऊपर बहुत ही भरोसा है और जनता का मेरे ऊपर भरोसा है, तो ये भरोसे के साथ में खिलवाड़ नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से अपने अंदाज से लगी रहेगी, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो हनुमान जी का सपना है नए राजस्थान के निर्माण का, और किसानों और जवानों की खुशहाल कैसे हो, और संपूर्ण जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा कैसे मिले, किसान खुशहाल कैसे हो, जवानों को जो रोजगार कैसे मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, इस पहल की जो शुरुआत की है हनुमान जी ने, उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा सर, मुद्दे क्या रहेंगे बायतू के अंदर? प्रमुखता से आप चुनाव में जा रहे हैं। बायतू के अंदर मेन मुद्दा रहेगा मैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड के अंदर सुधार करना, डिजिटल एजुकेशन हो, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेल मैदान अच्छे हो, स्कूल का वातावरण ऐसा बढ़िया बने कि घर से भी बेटर हो, बच्चा स्कूल जाए तो उनका मन नहीं करे कि वापस घर जाऊं, स्कूल के अंदर ही रहे, और कभी माता पिता ये कह दें कि बेटा आज स्कूल नहीं जाना, तो बच्चा जिद करके स्कूल जाए, ऐसे स्कूलों के अंदर वातावरण हो और इस शिक्षा की जो स्टैंडर्ड के अंदर सुधार हो, इसके अंदर डिजिटल जमाना है, डिजिटल एजुकेशन के स्मार्ट क्लासरूम प्रत्येक स्कूल के अंदर लगाने का, और उसके साथ साथ में शिक्षा के साथ में मूलभूत सुविधाएं जैसे मेन मुख्य मार्ग हैं उनके निर्माण बढ़िया हो। जैसे पिछले 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, तो सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है, वादे बहुत करते हैं लेकिन काम धरातल पे होता नहीं है। कुछ रोडें बनी हैं तो बनने से पहले टूट गई है। अच्छी क्वालिटी का काम हो, और जो जन सरकार द्वारा पैसा जन योजनाओं के अंदर भेजा जाता है उसका पूरा का पूरा 100% पैसा लगे, बीच में बिचौलिए खाए नहीं, और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो, अच्छी क्वालिटी का निर्माण हो, उसके साथ साथ में मूलभूत सुविधा में सड़क के साथ में स्वास्थ्य की है और पानी की है, जो पानी की स्कीमें तो बहुत बना दी लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि उन नल से जल कैसे जाएगा, तो उस संबंध में भी पूरा प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा में मूलभूत सुधार किया जाएगा, यही जो आधारभूत मेन सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार करके जनता के अंदर विश्वास पैदा करना है। आपने सड़कों का जिक्र किया, हरीश चौधरी कहते हैं कि बायतू के अंदर 1264 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, राजस्थान की किसी विधानसभा में इतनी सड़कें नहीं बनी है, क्या कहना चाहेंगे? अभी घोषणाएं हुई है, बनेगी तब पता चलेगा ना, इनका लगा क्या, और बनानी होती तो ये मेन सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी है, बायतू फलसुन रोड आप रोज जाते हो, कितने गड्ढे पड़े हैं, मेन रस्तों का निर्माण हुआ नहीं, ये तो खाली गुमराह करने के लिए ये खाली घोषणाएं की है। और हम ये भी जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक काम है, इन जिस भी सरकार ने शुरू किए हैं वो उनको सफलता हम पूरा करवाएंगे। उन्होंने तो खाली घोषणा की है, हम करवा के ये साबित करेंगे कि ये करवाया है। द्वेषतापूर्ण भाव से कभी काम नहीं करेंगे, जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने जो द्वेषतापूर्ण भाव से काम किया है, बूथ की लिस्ट देख के कि आपने तो हमें वोट नहीं दिया, काम मांगने कैसे आए, वोट जनता के जिताने के बाद जनप्रतिनिधि सबका बराबर होता है, इक्वल होता है, और असली लोकतंत्र वही है जहाँ मन करे, जो मन से अच्छा लगे उसी को वोट करें। तो हम ये जनता के अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अपने मन से वोटिंग करना, और जो ये डर रहता है ना कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम खुले में नहीं आएंगे, हम गुप्त में सपोर्ट करेंगे, पता नहीं उनके साथ रहेंगे तो हमारे साथ क्या रहेगा, ये डर निकालने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक हरी चौधरी का एक आरोप आप पे हमेशा रहता है कि इनकी राजनीति विवादों की राजनीति है, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कमेंट रहेगा सर?
देखिए विवाद विवाद खुद करते हैं और खुद ही सबसे ज़्यादा विवाद करते हैं। आप देख लिए पाटोदी के अंदर क्या विवाद हुआ, और भी बाड़मेर के अंदर दो दो इनकाउंट विवाद पैदा करते हैं, और सबसे ज़्यादा विवाद वो रहते हैं कि जो अपने साथ में नहीं है उनको दबाव देकर उनके पक्ष में लड़ना और द्वेष्टपूर्ण भावना से काम करना, किसी को डरा धमका कर, किसी को ट्रांसफ़र का डर बताना, किसी को काम धंधे में डिस्टर्ब करने का डर बताना, ये भय और दबाव का जो माहौल पैदा किया है उसी को ख़त्म करने के लिए ही जनता ने अभी मन बनाया है। हमारा ये रहेगा कि सब आम लोगों को, 36 कौम के लोगों को विश्वास में लेकर सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, बिल्कुल, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची आ गई है जिसमें 10 लोगों का नाम है, अगली सूची कब आएगी, और बाड़मेर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तकरीबन कितनी सीटें आएगी, गठबंधन भी हुआ है, गठबंधन के आधार पर किस प्रकार से बाड़मेर के अंदर सीटों का बंटवारा होगा? देखिए अगली सूची जल्दी आएगी, अब कल जयपुर के अंदर बड़ी रैली है सत्ता संकल्प यात्रा के समापन के ऊपर और पार्टी स्थापना दिवस के ऊपर बड़ा प्रोग्राम है, हम सब जयपुर जा रहे हैं आज शाम को, और कल परसों में एक दो दिन में ही अगली सूची आएगी और मजबूत जीताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार आएंगे, और बाड़मेर की हम सातों की सातों सीटें जीतने के साथ में पूरे मारवाड़ से एक बदलाव की शुरुआत यहाँ से होगी और जयपुर तक जाएंगे, पूर्व तक जाएंगे, तब अब असपा का जो हमारे साथ में गठबंधन हुआ है वो और आरएलपी दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है हम बहुमत के नज़दीक पहुंच जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल थे, इनका साफ साफ कहना है कि बाड़मेर के अंदर सातों सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी।